हमारे से वीडियो कॉल कैसे चलेगी? तो गाइस हरिद्वार की सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है अपन जाने वाले हैं एक ऐसे प्लेस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई प्लेस का नाम क्या था? प्लेस का नाम क्या है जहाँ पे जाने वाले? भारत माता मंदिर। ठीक है, तो अब ये भारत के ऊपर से नाम पड़ा है तो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल मंदिर होगा और भी बहुत कुछ होने वाला है गाइस। तो देखते हैं, अभी तो अपन निकले हैं मनसा देवी से, ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पे, कल की तरह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके बस निकले हैं अभी यहाँ से अपन, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है अपने को। ये है गाइस मार्केट यहाँ का और अभी निकलेंगे अपन यहाँ से अपर रोड। तो गाइस ये है अपर रोड, देख सकते हो गाइस कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। इतना समझ में नहीं आ रहा रोड का, बट सेम लग रहा है ना, वो सेम ही था। मैं तो वही बोल रहा हूँ, सेम रूट है, मतलब सेम लगता है ना, तो समझ में नहीं आता। आज ट्रैक पर ले लेंगे यार, एक जाना है ना वहाँ पे ऋषि के साइड में। सामान लेना है। तो वैसे मार्केट में घुमा जा रहा है और यहाँ से जाएंगे अपन भारत माता मंदिर। मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट जाके देखेंगे वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे गाइस कपड़े काफ़ी सस्ते मिलते हैं, लुधियाना से यहाँ लुधियाना के जो कपड़े हैं यहाँ पे आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने तो कल देखा 100-100 रुपये में कपड़े मिल रहे हैं, 100 रुपये है ना, 100 रुपये में मिल रहे हैं, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में मिल जा रहे हैं। अच्छा सेल है। हाँ क्वालिटी में, क्वालिटी नहीं पता मुझे लेकिन मिल रहे उतना पता है। अभी क्वालिटी आप देख लो, अगर आओगे यहाँ पे कुछ देखे ना कैसी क्वालिटी है क्या है। तो गाइज अभी जो है अपन आ चुके हैं कल वाले प्लेस पे जहाँ पे गंगा मैया है, लेकिन गंगा मैया को मैं आपको दिखा चुका हूँ तो वापस जाएंगे जरूर वहाँ पे। लेकिन अभी एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कि महाभारत के टाइम की एक प्लेस है जिसको बोलते हैं भीम घोड़ा, जहाँ पे भीम ने जो है वो घोड़ा मार के पानी निकाला पाताल से। तो सोच सकते हो इतनी यूनिक जगह और इतनी हिस्टोरिकल जगह जहाँ पे जाने वाले अपन। गाइस ये देखो, ये है हरिद्वार की जगह, हरिद्वार का प्लेस, और हम जाएंगे उस रोड पे ऋषिकेश वाले रोड, और वहाँ पे देख सकते हो गाइस भोलेनाथ का यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत। इसको पूरा कवर करेंगे अपन जब जाएंगे तभी। यहाँ पे स्टेयरकेस है और कल अपन यहीं पे नहा रहे थे, देख सकते हो यहाँ पे नहाएंगे आज भी फिर वापस आगे। चलो तो गाइस अभी मेरे पीछे जो है वो एक चल रहा है भंडारा छोटा सा। तो आप हरिद्वार में अगर रहते हो ना गाइस तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। जगह जगह पे प्लेस पे आपको दान वाले मिल जाएंगे, खाना खिलाने वाले मिल जाएंगे, खाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन आप भूखे नहीं रहोगे यहाँ पे हरिद्वार में, इतना तो गारंटी है। और यहाँ पे जो प्रसाद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस प्रसाद ग्रहण कीजिए हरिद्वार का। मैं तो मतलब यहाँ पे आके धन्य हो गया, पवित्र हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा प्लेस को मैं दिल से लगा के रखा हूँ कि मैं यहाँ पे जीवन में पहली बार गंगा मैया में मैंने पैर रखे, मतलब मैंने खुद को पवित्र किया गंगा मैया में नहा के, जो कि मैं बनारस में नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं हेल्प करने वाला, बट यहाँ पे हेल्प करने के लिए भाई है, तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया। एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं मतलब कर पाया लाइफ में, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू, मतलब मैं कभी मतलब ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ पे आके कभी ऐसा कुछ भी कर पाऊँगा लाइफ में, बट मैंने किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ये जो प्लेस है वो जाता है भीम घोड़ा की ओर, तो अभी अपन वहीं पर जा रहे हैं। ये भाई अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ये अपने गाइड है यहाँ के।
अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हो यार, वहाँ भी सुरंग नहीं बन पाई थी, पता नहीं कितने साल लगे। चल रहा है उसका व्लॉगिंग, चल रहा है उसका। तो गाइस एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप हरिद्वार में कहीं आते हो और अगर आपके पैसे नहीं है तो आप गुरुद्वारा हो गया, बहुत सारे धर्मशाला है, बहुत सारे आश्रम है, आप बता दो। बहुत सारे आश्रम हैं, धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारा है, होटल्स भी हैं, अच्छे होटल्स हैं, आप स्टे कर सकते हैं। अगर बजट है तो आप स्टे कर सकते हो अच्छे होटल में, लेकिन जो फीलिंग धर्मशाला की है, जो मतलब ऐसे एक नेचुरल प्लेसेस है फॉर मेडिकेशन ना गाइस, वो आपको होटल में नहीं आएगा, वो एसी में नहीं आएगा, जो आपको यहाँ पे नेचुरल प्लेस में मिलेगा। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि मगर मेरे पास पैसे भी आए तो मैं भी नॉर्मल। अच्छा ये क्या है, नियर गंगा किनारे? हाँ नियर गंगा किनारे सबसे पवित्र चीज़, आरती के टाइम पे आ जाओ नीचे, मस्त एंजॉय करो गंगा नदी और पूरी आरती और बस आशीर्वाद लो। अच्छा ये भी श्री खोतेश्वर भवन, ये भी रहने की जगह है ना? देख सकते हो गाइस ये सारे भवन है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप रह सकते हो और ये पूरा प्रॉपर गंगा किनारे ही मिलेगा आपको रेस्टोरेंट। अच्छा गाइस ये है रेलवे लाइन, कारण क्या था कि यहाँ पे काली देवी का मंदिर था नीचे, ओके जेनुअन मूर्ति थी काली देवी, तो अंग्रेजों को ये पता चलता है अंग्रेजों ने उसको बाहर निकाल के मंदिर बनाया, अंग्रेजों के टाइम का मंदिर काली माता। अच्छा तो उसके बाद रेलवे लाइन स्टार्ट हुई, वो ये लाइन आज से तब से लेकर आज तक बोर्ड पे लिखा भी हो ये वाला मंदिर ना। तो गाइज ये वाला मंदिर जो है बनाया गया था माँ काली का, तब जाके ये रेलवे लाइन बनी और ये बनवाया था अंग्रेजों ने। देख सकते हो अंग्रेज भी कितना मानते हैं गाइज हमारे धर्म में। तो ये एक ही लाइन जाती है सारे जोड़ कर दिए है ना, मतलब बोला जाता यही मेन है। अच्छा तो गाइज ये है काली माँ का मंदिर, ये देखो ये पढ़ो इधर इधर और पीछे जाओ और पीछे जाओ। तो गाइज ये है इसकी पूरी कहानी। अपन ऊपर भी जाने तो 1860 में था गाइज ये ट्रेन बनाने का पूरा प्लान था अंग्रेजों का, लेकिन नहीं बना पा रहे थे वो लोग पटरी, तो वहाँ पे माँ काली का जो है वो मूर्ति प्राप्त हुआ था, तब जाके ऊपर बनाया मंदिर, हाँ पहाड़ में गुफा थी और तब जाके ये जो ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म है वो बना और ये चला। तो देख सकते हो कि ये माँ काली का आशीर्वाद से चल रहा है ये तब से, और यहाँ पे मंदिर है बहुत बढ़िया सिद्ध मंदिर है, सिद्ध पेट है। सॉक्स पहन के जाते हैं यार, ना ना सॉक्स आते उतार दो। तो गाइस नाउ वी आर गोइंग एट मंदिर, मंदिर में जा रहे हैं। भाई हाउ यू फीलिंग? काली माँ मंदिर अच्छा लग रहा है भाई, मतलब ऐसा भी है कि मतलब क्या बोल सकते हैं अभी भाई, ये तो बस दिल से भावना है निकल निकल के वहाँ। मंदिर नहीं है क्या कि चमत्कार, एक चमत्कार बोल सकता हूँ, मतलब अंग्रेज को सपना दिया भाई। यहाँ से जाता है रास्ता मंदिर की ओर। गाइस ये है वो है रेलवे लाइन और ये सामने मंदिर है, ये जा रहे फटाफट चढ़ते ऊपर। जय माता जी,
देख सकते हो कैसे पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है गाइस, ये यूनिक। सावधान, ये है सुरंग जहाँ से ट्रेन निकलती है गाइस। तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर, देख सकते हो यहाँ से ट्रेन जाती है और ये वो सुरंग है पीछे, और यहाँ पे जो है वो मंदिर है, और इस तरफ जो है वो अपना नॉर्मल रोड जहाँ से आए। तो गाइज देख सकते हो कि ये इतना यूनिक बनाया गया है, और यहाँ पे आते ही आपको अच्छा फील होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पर आओ गंगा किनारे तो माँ काली दर्शन जरूर करना। तो गाइज ये रही ट्रेन और जा रही है ब्रिज के नीचे से, मंदिर के नीचे से, देख सकते हो